जी, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। तो दोस्तों बताइए कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों कीजिए जल्दी से गुड मॉर्निंग। तो जी कीजिए मेरे साथ अपने दिन की शुरुआत, और मैं हाजिर हूँ आज एक नया व्लॉग लेकर। तो जी देखिए, आज हमारी छोटी बेटी की तबीयत खराब, तो जी स्कूल नहीं जाएगी, और हमारी बड़ी बेटी जाएगी स्कूल। तो जी वो हो चुकी है रेडी, और इसको हो रहा है हल्का सा फीवर। तो गाइज इसको हम दवाई दिलवाएंगे डॉक्टर वगैरह के लेकर जाएंगे। चलिए जी अभी तो बैठी हुई हूँ, बाय। तो जी देखिए प्लीज चली गई स्कूल, और आज देवशी नहीं गई, इसकी थोड़ी सी तबीयत खराब। तो जी देखिए हम कर रहे हैं आज पीछे साफ सफाई, क्योंकि कई दिनों में जाकर बारिश रुकी है, तो जी सब जगह नमी ही नमी लगी हुई है। और गाइस देखिए हम इधर झाड़ू वाड़ू भी लगा रहे हैं, सब जगह पत्ते ही पत्ते हो रहे हैं। और उधर थोड़े से पतिदेव लेकर आए थे प्लांट, वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए जी इनको भी लगा रहे हैं, क्योंकि गमले तो देवर्षी नहीं छोड़ती। तो जी हमारे घर पर पड़े थे कुछ पुराने डब्बे, हमने उन्हें ही कर लिया है यूज। जब देवर्षी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब हम गमले लेकर आएंगे, वरना ये सबको फोड़ देती है, एक भी गमला नहीं छोड़ती है ये। और जी आज देवर्षी तो है घर पर ही, तो जिसकी है थोड़ी सी तबीयत खराब। घर रहकर कर रहा है ये बंदर, ये शैतानी। देखिए दिखाओ जरा इसके मुंह का हाल, देखो जिस बंदर के। इसलिए मैं इसे घर पे नहीं रखती, लेकिन मजबूरी थी गाइज। आज इसको थोड़ा सा फीवर था, और अब देखिए ये मुझे करेगी ऐसे ही। अब पता नहीं ये लोशन लगा के आई या पाउडर क्या लगा के आई फेस पे, मुझे तो ये लोशन सा लग रहा है ना। यही चीज अब पिटाई भी होगी, आने दो पापा को निकलने दो, अभी बताऊंगी। तो जी हम हो गए ना दो कर रेडी, आज है सोमवार, अब करेंगे पूजा। और जी फिर बाद में बनाऊंगी सभी के लिए खाना, कपड़े मशीन में डाल दिए धुलने के लिए। तो जी काम तो बहुत होता है, लेकिन आपसे भी तो मिलना जरूरी होता है, क्योंकि आप तो अब मेरी YouTube फैमिली हो। तो जी अब आप भी कीजिए जल्दी से, शिव शंकर महाराज के दर्शन हो गई है हमारी पूजा। चलिए जी कर लीजिए भोलेनाथ जी के दर्शन, और अब हम बनाएंगे खाना वाना, और जी चाय वाय पी कर लगेंगे अपने काम पर। कीजिए शिव जी शिवाय ओम नमः शिवाय। तो जी देखिए कीजिए जल्दी से भोलेनाथ जी के दर्शन। तो जी देखिए अब मैं कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। अब मैं खाने में बनाऊंगी लौकी, क्योंकि आज पतिदेव लंच लेकर नहीं गए, आज है उनका फास्ट और मेरा भी, और प्रीत लेकर गई है आज पराठा। तो जी अब मैं बनाऊंगी दोपहर का खाना, और चलिए गाइस मैं दिखाती हूँ आपको लौकी की सब्जी बनाना। तो जी मैं डाल लेती हूँ इसमें देसी घी, और हम लौकी बनाएंगे देसी घी में। तो जी देखिए इसमें मैंने ले ली है हींग, जीरा, थोड़ी सी साबुत मेथी, और धनिया डालूंगी बाद में, क्योंकि वो फिर जल जाता है। तो जी अब मैं सबसे पहले इनका तड़का लगाऊंगी अपनी लौकी में, डालूंगी लहसुन और प्याज। अब मैं इनका तड़का लगाऊंगी अपनी लौकी के अंदर, और इन्हें धीरे धीरे ऐसे चला लेंगे जी। अब अच्छे से इनको भून लेंगे, उसके बाद डालूंगी मैं थोड़ा सा भुनने के बाद धनिया, वरना धनिया ज़्यादा जल जाता है। तो जी देखिए मेरा मसाला भुनने वाला है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ पिसा हुआ धनिया। फिर ये चलता नहीं गाइस, इसकी स्मेल भी बनी रहती है सब्जी में। और जी अब मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी, थोड़ी सी कलर की मिर्ची। जी अब मैं इसमें ऐड करूंगी लौकी, मेरा मसाला अच्छे से भुन चुका है गाइस। अब हम इसमें अपनी लौकी ऐड कर देंगे, हमारी लौकी फिर दो तीन सीटी लग जाएंगी इसमें। तो जी फिर हम इसको दो तीन सीटी लगने के बाद बंद करके थोड़ा मैश करेंगे। और गाइस ये हमारी कल वाली लौकी है, क्योंकि कल सुबह हमने काट तो ली थी, लेकिन हम इसको बना नहीं पाए थे, क्योंकि फिर पति देव का पता नहीं क्या क्या खाने का मन कर गया था। तो जी मैं बना रही हूँ अभी रोटियाँ, क्योंकि तब तक मेरी लौकी बनने वाली है, तो मैंने सोचा कि फटाफट दोनों काम कर लेती हूँ। एक गैस पर मेरी लौकी की सब्जी बनने लग रही है, और जी एक साइड में सेक रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि फिर गाइस आज ये देवर्षी का वो कुछ नहीं करने देती, बड़ी मुश्किल मुश्किल से मैंने किया। उधर मम्मी जी की भी आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, वो भी लेट रही है, तो जी थोड़ा जल्दी ही करना होगा काम, इसलिए मैं दोनों काम एक साथ कर रही हूँ, क्योंकि अभी कोई खाना खाने के लिए नहीं आया। तो जी मैं रोटियां सेक कर रख रही हूँ, बाद में सबको खिला दूंगी जब सब आएंगे, क्योंकि अभी मम्मी जी सो रही है, उनकी थोड़ी बीपी की प्रॉब्लम उनको हो रही है आज। तो गाइस आइए आप भी खाइए, अगर आप लौकी की सब्जी खाना चाहते हो, जिसका मन आलू वगैरह खाने को नहीं कर रहा, वो आज मेरे घर पर आके मेरी लौकी की सब्जी खा सकता है। तो जी
चलिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि चेयर पर बैठकर रोटी क्यों बना रही है, तो वो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जी जो मेरा फैन है उसका मैंने मुंह थोड़ा सा ऐसे डाउन किया है, क्योंकि अगर मैं उसको ऊपर करती तो आती है मेरी गैस पर हवा, और अगर डाउन करती हूँ तो जी वो फिर गैस पर हवा नहीं आती। इसलिए मैं चेयर पर बैठकर रोटियाँ बना रही हूँ। वो हवा सीधी आप देख रहे होंगे गाइस, वो मुझ पर आ रही है, मेरे गैस पर बिल्कुल भी नहीं जा रही है। तो जी ये रीज़न है आज चेयर पर रोटियाँ बैठकर बनाने का, मैंने सोचा कि आपको बता दूँ, वरना आप सोचेंगे कि पता नहीं कहीं पाँव में तो दर्द नहीं है, ये बैठकर रोटियाँ बना रही है। तो जी गर्मी बहुत ज़्यादा है और गैस पर काम करते वक्त तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। ये भी लाइट भी अच्छी आ रही है तो मैं फैन चला कर अपनी रोटियाँ बना रही हूँ भाई। इतनी गर्मी में और कर भी क्या सकते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगाना ही पड़ता है जी, क्योंकि डायरेक्ट फैन ऊपर चला नहीं सकते, उससे गैस नहीं चलेगा हमारा। अरे मेरी रोटी गिर गई। देखिए जी चल रहा है मेरा छोटू सा फैन, गर्मी में बड़ी हेल्प करता है मेरी ये खाना बनाने में, क्योंकि अगर ये ना हो तो भी खाना बनाना ही बहुत मुश्किल हो जाए। तो जी इसको मैं ऐसे ऊपर नीचे कर लेती हूँ, इसलिए मैं इसका ज़्यादा ऊपर करके नहीं रखती क्योंकि फिर गैस पर आती है। तो जी इसका है मुझे बहुत फ़ायदा गाइस, 4 साल हो गए मेरे इस फैन को, जब देवशी छोटी थी 6-7 महीने के आसपास थी जब मैंने ये फ़ैन लिया था। तो जी ये है बड़े मेरे तो काम की चीज़ किचन में, ये है मेरा सबसे क्लोज दोस्त बोल सकते हैं। तो जी देखिए हमारी लौकी बनकर हो गई है रेडी, और अब हम इसको करेंगे मैश, और फिर इसमें थोड़ा सा उबाल सा आ जाएगा तो जी फिर हम इसको सर्व कर देंगे खाने के लिए। तो जी लौकी मैंने बना तो दी, पर मुझे तो आज ये कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी सी नहीं लगी। देखिए गाइस ज़्यादा अच्छी नहीं लगी आज तो, ये लगता है ये दवाई वगैरह बोलते हैं ना कि दवाइयों वाली लौकी है, तो जी मुझे तो ये वही लग रही है, क्योंकि वरना 2-3 सीटी में इतनी अच्छी हो जाती है, और मैंने तो 5-6 सीटी लगवाई। या जी इस बात का थोड़ा फ़र्क हो सकता है कि ये हम लोगों ने कल काट दी थी फिर ये बन नहीं पाई थी, तो जी ये भी रीज़न हो सकता है, या फिर ये इंजेक्शन वगैरह वाली दवाई है लौकी। चलिए जी आपको जैसी भी बनी है ऐसी ही खानी पड़ेगी। वैसे मैं अभी इसको और थोड़ा अच्छे से मैश कर लेती हूँ। तो जी देखिए कपड़े तो हमारे सूख चुके हैं, और जी अब हम आए हैं कपड़े को उतारने, और ये सुबह देखिए जी हमने प्लांट्स लगाए थे गमलों में, गमले तो नहीं है गाइस, पुराने डब्बे घर पर पड़े थे, तो जी हमने उन्हीं को यूज कर लिया, क्योंकि गमले हमारी छोटी बेटी नहीं छोड़ती, वो सब गमले फोड़ देती है। तो जी चलिए अब उतार लेते हैं हम अपने कपड़े भी, क्योंकि ये सभी सूख चुके हैं। और जी मौसम देखिए जी, मौसम ऐसा ही, क्योंकि अब थोड़ी देर करेंगे गाइस हम आराम, क्योंकि फिर कभी हम तो थोड़ा आराम करने लगे और बारिश आ जाए हमारे कपड़े ही गीले हो जाए। तो जी हम पहले अपने कपड़े उतार कर रख लेते हैं तार पे से, ये बेडशीट वगैरह धुली थी मैंने। तो गाइस देखिए अब हम आपको कुछ दिखाएंगे, आज आया है हमारा नया पार्सल। तो जी अब हम इसको क्या करेंगे दिशु, अनबॉक्सिंग करेंगे। तो जी चलिए हम दिखाते हैं आपको कि इसके अंदर क्या है। तो जी देखिए ये हो गया है ओपन, देखिए गाइस ये हो गया है ओपन, और वाओ ये है हमारी ग्रीन ग्रीन चूड़ियां भी, इसको दिखाते हैं खोलकर। रुको रुको रुको, तो गाइस देखिए ये है मेरी तीज की चूड़िया, मैंने मंगवाया था ग्रीन कलर का तीज के लिए ये चूड़ा। तो जी देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बताइए गाइस आपको भी अच्छा लगा या नहीं, कैसा लग रहा मम्मी जी? बहुत अच्छा लग रहा है। टिशू कैसा लगा आपको? अच्छा। ये मैंने तीज के लिए मंगवाया है। ओके मैं हाँ ओके। तो जी मम्मी इसको डाल कर देखेंगे, आपने कहीं साइज वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तो किया था ऑर्डर अपने साइज के हिसाब से, लेकिन कभी कभी ऑनलाइन की चीज़ों का भैया कुछ पक्का पता नहीं होता कि किस में से क्या निकल जाए,
तो जी अभी रुको बेटा, अभी देखते हैं हम इसको हाथ में डालकर और दिखाऊंगी मैं आपको भी। चलिए जी अभी डालते हैं। ये हमारी कितना प्यारा चूड़ा निकला है इसमें से। मुझे तो लगा था कि कहीं छोटा ना हो, लेकिन ये तो बिल्कुल परफेक्ट साइज आया है। चाहे तो इसे इतना इतना करके दोनों हाथों में भी डाल सकते हैं और चाहे एक हाथ में भी डाल सकते हैं। बताइए गाइस कैसा लग रहा है चूड़ा आपको? कितनी प्यारी लग रही है ना। तीज वाले दिन तो और भी अच्छा लगेगा ये चूड़ा जब सब कुछ ग्रीन ग्रीन पहना जाएगा। तो जी देखिए हमारा तो तीज का गिफ्ट आ भी गया, हमारे घर में चल रही है तीज की तैयारी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है चूड़ा, हमने मंगवाया है ये ऑनलाइन। कभी कभी तो ऑनलाइन चीजें अच्छी नहीं आती, लेकिन कभी कभी गाइस बहुत अच्छी आ जाती है। देखिए और बिल्कुल साइज भी एकदम सही आया है। तो जी चलिए अब अभी तो हम इसको निकाल कर रख देते हैं क्योंकि हम पहनेंगे इसको तीज पर। आज तो ऐसे ही डालकर देख लिया कि कहीं साइज वगैरह सही है या नहीं। तो जी देखा आपने हमारा चूड़ा तो आ गया, हमारे घर में चलने लगी है तैयारी तीज की, क्योंकि अब तीज के ज्यादा दिन नहीं रहे गाइस, वो जल्दी आने वाली है। तो जी कैसा लगा आप सभी को मेरा चूड़ा कमेंट करके जरूर बताना। कुकर में आलू डाल दिए, अब मैं इनको रखूंगी उबलने के लिए। अब शाम का रूटीन हमारा हो चुका है शुरू। और जी देखिए घर पर चलने लगी है तीज की तैयारी भी। तो जी मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए जी आज क्या आया है हमारे घर पे। तो जी देखिए हमारे घर पर आया है आज किसी की पोतली की मिठाई। देखिए जी ये घेवर, ये रस और ये पेठा, और इसमें से कुछ मिठाई मम्मी पापा जी और भैया जी ने बाहर खा भी ली। तो जी तीज की तैयारी होने लगी है गाइस शुरू, सभी के घर से मिठाइयां आने लगी है। तो जी अब कुछ ही दिन बाकी है तीज आने में। चलिए जी आप सभी कीजिए तीज की तैयारी। तो गाइस देखिए आज सोमवार, मैंने और पति देव ने रखा है व्रत। और जी अब हम शाम के खाने की कर रहे हैं तैयारी, हम बनाएंगे आलू की टिक्की। और जी अभी पति देव की थोड़ी देर में छुट्टी होने वाली है, वो चलने वाले हैं ऑफिस से। मैं और मम्मी जी छील रहे हैं आलू, आलू है गाइस बहुत गरम गरम। तो जी चलिए अब हम बना लेते हैं अपना खाना और आज करते हैं हम अपनी वीडियो का यहीं पर एंड। कर मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग के साथ में कल सुबह मॉर्निंग में। तो जी चलिए तब तक के लिए बाय बाय।